छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में घनघोर जंगलों के बीच गुफा में एक शिवलिंग स्थापित है जिसे लोग मंडीप बाबा के नाम से जानते हैं। निर्जन स्थान में गुफा के 250 मीटर अंदर उस शिवलिंग को किसने और कब स्थापित किया ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि वहां बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी शिवलिंग का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। गुफा के अंदर स्थित प्राकृतिक शिवलिंग राजनांदगांव कवर्धा मुख्य मार्ग पर स्थित गंडई से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंडीप गुफा। लेकिन यहां बाबा के दर्शन करने का मौका साल में एक ही दिन मिल सकता है, अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को। दिलचस्प बात यह है कि वहां जाने के लिए एक ही नदी को 16 बार लांघना पड़ता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वहां जाने का रास्ता ही इतना घुमावदार है कि वे नदी रास्ते में 16 बार आती है। गुफा के अंदर जाने के लिए रोशनी की व्यवस्था साथ रखनी पड़ती है। साल में एक ही बार जाने के पीछे पुरानी परंपरा के अलावा कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं। बरसात में गुफा में पानी भर जाता है, जबकि ठंड के मौसम में खेती किसानी में लोग वहां नहीं जाते। रास्ता भी इतना दुर्गम है कि 7-8 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग जाते हैं। उसके बाद पैदल चलते समय पहले पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है और फिर उतरना, तब जाकर गुफा का दरवाजा मिलता है। ये खोर नक्सल इलाके में पड़ता है, इसलिए भी आम दिनों में लोग इधर नहीं आते। रास्ते में बीचों बीच एक बड़ा पत्थर मिलता है, उस पर बैठकर दूसरों को लाइट दिखाता एक युवक। गुफा के दरवाजे पर जुटे भक्तगण हर साल अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार के दिन गुफा के पास इलाके के हजारों लोग जुटते हैं। परंपरानुसार सबसे पहले ठाकुर टोला राजवंश के लोग पूजा करने के बाद गुफा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आम दर्शनार्थियों को प्रवेश करने का मौका मिलता है। गुफा के 1.5-2 फीट के रास्ते में घना अंधेरा रहता है। लोग काफी कठिनाई से रोशनी की व्यवस्था साथ लेकर बाबा के दर्शन के लिए अंदर पहुंचते हैं। गुफा में एक साथ 500 से 600 लोग प्रवेश कर जाते हैं। अक्षय तृतीया पर रहता है मेले सादृश्य। गुफा में जाने के लिए पहले पहाड़ी पर चढ़ना और फिर उतरना पड़ता है। गुफा के अंदर जाने के बाद उसकी कई शाखाएं मिलती हैं, इसलिए अनजान आदमी को भटक जाने का डर बना रहता है। ऐसा होने के बाद शिवलिंग तक पहुंचने में 4-5 घंटे का समय लग जाता है। स्थानीय महंत राधा मोहन वैष्णव का कहना है, माइकल पर्वत पर स्थित इस गुफा का एक छोर अमरकंटक में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आज तक कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन बहुत पहले पानी के रास्ते एक कुत्ता छोड़ा गया था जो अमरकंटक में निकला। अमरकंटक यहां से करीब 500 किलोमीटर दूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।